यस स्टूडेंट्स, देखिए हम सैम्पलिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं और ये सैम्पलिंग मेथड्स में हमें तीन मेथड पढ़नी है। पहला मेथड था जो हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है, वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, विदाउट रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, वो दोनों पैटर्न हमने देखे। और टू कैरी आउट द प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग द सैम्पल वी हैव टू डिफरेंट मेथड्स, जिसको हम बोलते हैं एक तो लॉटरी मेथड है और एक रैंडम नंबर टेबल का यूज करने वाली मेथड है। तो रैंडम नंबर टेबल का यूज करके कैसे सिंपल रैंडम सैम्पल कलेक्ट किया जाता है या डिज़ाइन किया जाता है, वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है अप टू लास्ट वीडियो लेक्चर। अब हम मूव कर रहे हैं दूसरी मेथड पर, जिसका नाम है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बाद दूसरी मेथड जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो आज ये लेक्चर में हम ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को पूरा डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं क्या है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है क्या, मतलब उसका बेसिक मीनिंग हमें पहले पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक में पहले तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का बेसिक मीनिंग हम समझेंगे, फिर उसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो इसमें से हमें क्या क्या ये पैटर्न के एडवांटेजेस है और इसका क्यों यूज करते हैं वो भी पता चलेगा, और कुछ डीमेरिट्स भी होंगे तो डिसएडवांटेजेस भी हमें पता चलेंगे, और फिर इसके बेस पर कैलकुलेशन करेंगे। मतलब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जैसे टेबल का यूज़ करके हमने निकाला, ऐसा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का भी हम एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा डिस्कशन इस तरीके से जाने वाला है। पहले तो समझते हैं कि ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है क्या और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से काम तो हो ही रहा था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंदर जो यूनिट्स है, पॉपुलेशन है मतलब पॉपुलेशन के अंदर जो यूनिट्स है, वो सभी यूनिट्स होमोजीनियस नहीं है, या फिर वैरायटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसे पॉपुलेशन को हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। होमोजीनियस मतलब बिल्कुल होमोजीनियस मतलब बिल्कुल एक जैसा हो ऐसा नहीं, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन के यूनिट्स के, वो यूनिट टू यूनिट वेरिएट तो होते लेकिन बहुत वेरिएट नहीं होते, मोर और लेस थी आपको एक जैसे ही कैपेबिलिटी या एक जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। लेकिन यदि ऐसा ना हो कि यूनिट्स अंडर द पॉपुलेशन हैव गॉट वैरायटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ऐसी सिचुएशन में आप सीधा रैंडम सैंपल कोई ले लोगे, सिंपल रैंडम सैंपल ले लेंगे, जिसके जैसे आप ऐसा करते थे कि पूरे एक पॉपुलेशन में से सैंपल ले लिया, तो हो सकता है कि सैंपल में जो कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं सैंपल के यूनिट में, वो कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स का रिप्रेजेंटेशन कर रहे और बाकी के कई सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनका रिप्रेजेंटेशन हुआ ही ना हो, क्योंकि इतने सारे हेट्रोजिनिटी है पॉपुलेशन में कि आप एक सैंपल लेके तो उसको प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं कि ये जो पूरा पॉपुलेशन है उसको अलग अलग पॉपुलेशन को अलग अलग सब पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग सब पार्ट मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक ले लेंगे भी, कॉमन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वाला एक सब ग्रुप या सब पार्ट या सब ग्रुप, फिर दूसरे कॉमन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ऐसा एक दूसरा ग्रुप,
तीसरा ग्रुप या चौथा, मान लीजिए हम तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये डिवाइड करना, जैसे आप समझ लो एक एग्जांपल लेके बात करें कि भाई पूरी ग्रेजुएशन का कॉलेज है, अंडर ग्रेजुएशन का कॉलेज है, ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएशन का कॉमर्स कॉलेज है मान के चलिए, और ये टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो मेरा पॉपुलेशन है पूरे कॉलेज का। अब मुझे उनमें से रिप्रेजेंटेटिव्स निकालने हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ऐसे तीन ग्रुप में डिवाइड कर देता हूँ, ताकि मैं पूरे पॉपुलेशन में से कभी सैंपल लूँ तो हो सकता है कि सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिप्रेजेंटेशन और थर्ड ईयर का शायद ना भी हुआ हो। तो ऐसा ना हो इसके लिए मैंने कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वाले एक ग्रुप में, दूसरे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वाले दूसरे ग्रुप में, तीसरे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वाले तीसरे ग्रुप में, ऐसे सब ग्रुप बना दिए, पूरे पॉपुलेशन को मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इसका मतलब ये जो एक ग्रुप है, सब ग्रुप वन, सब ग्रुप टू, सब ग्रुप थ्री, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटा या स्ट्रेटम। एक सब ग्रुप स्ट्रेटम है, ऐसे तीन स्ट्रेटम जो है उसको प्लूरल में बोला जाए तो देयर आर थ्री स्ट्रेटा, ठीक है। तो सिंगुलर में स्ट्रेटम और प्लूरल में उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटा। तो ये जो ईच स्ट्रेटा, हर एक स्ट्रेटम जो है वो अपने आप में एक ग्रुप है या एक पॉपुलेशन का पार्ट है। हाँ, इंटरनली ये होमोजीनियस है क्योंकि इसमें सभी एफ वाई के ही होंगे, इसमें सभी एस वाई, लेकिन एक दूसरे के साथ एक्सटर्नली ये हेट्रोजीनियस होंगे। पूरा पॉपुलेशन तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाला है ही, उसमें से मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक को लेके एक ग्रुप बनाया, फिर दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को लेके दूसरा ग्रुप बनाया, तीसरे कैरेक्टरिस्टिक को लेके तीसरा ग्रुप बनाया। ये हर ग्रुप जो है उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटम, एंड द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एंटायर पॉपुलेशन इन डिफरेंट स्ट्रेटा इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। जो प्रोसेस है पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना, ये सब ग्रुप में डिवाइड करना, मतलब स्ट्रेटम में डिवाइड करना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। फिर ये काम हो जाने के बाद मैं क्या करूँगा, इंडिविजुअली ये हर स्ट्रेटम में से एक में रैंडम सैंपल लूंगा, सिंपल रैंडम सैंपल, इसी तरीके से जो पहले सिंपल रैंडम में लेते थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, पूरे पॉपुलेशन में से सीधा नहीं ले रहे, पहले पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे, फिर हर ग्रुप में से एक एक सैंपल लेंगे, और ये जो सैंपल लिया वो तीनों सैंपल को हम कंबाइन कर देंगे। तो ये जो मुझे मिला नया सैंपल, उसमें हर कैरेक्टरिस्टिक का रिप्रेजेंटेशन होगा ही होगा, और इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। यह स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल माना जाएगा, और यह प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव होगा पूरे पॉपुलेशन का। यह तो मेरा पॉपुलेशन है ही, ये मेरा स्ट्रेटम है, स्ट्रेटम वन, स्ट्रेटम टू, स्ट्रेटम थ्री, ठीक है। और हर स्ट्रेटम में से एक एक रैंडम सैंपल मैंने लिया है, और वो सभी सैंपल को मर्ज कर देंगे तो जो सैंपल बनेगा उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। ये सिंपल रैंडम सैंपल का ड्राइंग है, और ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल का ड्राइंग है। क्या करना है वो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका ये लॉजिक है कि भाई पॉपुलेशन होमोजीनियस हो तो हम सिंपल रैंडम सैंपल से काम चला लेंगे, चलेगा, लेकिन हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में सिंपल रैंडम सैंपल प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो पा रहा है पूरे पॉपुलेशन का। तो एक काम करते हैं, हम पॉपुलेशन को अलग अलग स्ट्रेटम में डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअली ये स्ट्रेटम है और कलेक्टिवली ये स्ट्रेटा है, इसका मतलब प्लूरल और सिंगुलर का डिफरेंस मैंने बताया। फिर हर स्ट्रेटम में से एक सिंपल रैंडम सैंपल लेंगे और सभी सैंपल को मर्ज कर देंगे तो जो बनेगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल होगा। मान लीजिए कि पॉपुलेशन का साइज कैपिटल एन है, ठीक है, और पॉपुलेशन को मैं वाई बोल रहा हूँ। ऐसा मान लीजिए कि कैपिटल वाई इज अ पॉपुलेशन और उसकी साइज n है, तो मुझे तीन
सब ग्रुप मतलब y1, y2 और y3 में मैंने डिवाइड किया, ये y1, y2, y3 जो है वो स्ट्रेटम है, स्ट्रेटम 1, स्ट्रेटम 2, स्ट्रेटम 3, जिनका भी साइज n1 होगा, n2 होगा और n3 मान लेते हैं। और आपको पता चल गया कि n1, n2 और n3 का जब मैं टोटल करूंगा तो वो n ही होने वाला है। इसमें से मैंने सैंपल लिया, सैंपल को मैं y1 नाम दे दूं, ये सैंपल को स्मॉल y2 और ये सैंपल को स्मॉल y3, जिसकी साइज होगी स्मॉल n1, स्मॉल n2 और स्मॉल n3। तो मुझे जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे YST, स्ट्रेटिफाइड के लिए पूरा Y हो गया, ये कैपिटल Y जो है वो Y1, Y2, Y3 मिला के हो रहा है, स्मॉल Y1, स्मॉल Y2, स्मॉल Y3 मिला के YST, ST मतलब स्ट्रेटिफाइड हो रहा है, और उसकी साइज होगी N, N का मतलब होगा N1 प्लस N2 प्लस N3, ये मिला के N मिलेगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो अब ये इसका सर क्या फायदा है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, सिंपल है, यही से आप सोच के चलो कि एडवांटेज तो ये है कि हर कोने का, हर कैरेक्टरिस्टिक का स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल जो होगा उसमें रिप्रेजेंटेशन होगा, तो सिंपल रैंडम से ये ज़्यादा इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होगा। और इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल इज अ गुड रिप्रेजेंटेटिव एंड बेटर रिप्रेजेंटेटिव देन सिंपल रैंडम सैंपल, क्योंकि ये हर कैरेक्टरिस्टिक को अपने सैंपल में कवर कर रहा है, सो इट्स अ बेटर रिप्रेजेंटेटिव, ये इसके एडवांटेज है। कभी कभी ऐसा हमें लगे कि किसी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, तो स्ट्रेटिफिकेशन करके वो चीज़ हम दूर कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होगा तो ये मेथड ज़्यादा सूटेबल है। यदि हमें एक्यूरेसी का लेवल अलग अलग रखना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक वाला जो पॉपुलेशन का पार्ट है उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, इसमें थोड़ा कम चाहिए, तो हम स्ट्रेटम टू स्ट्रेटम एक्यूरेसी डिसाइड करके भी हम प्रोसीजर एडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेज है कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग किया हुआ है तो हम ये काम कर पाएंगे। इसके डिसएडवांटेज ये है कि जो प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। यदि वो प्रॉपरली आपने स्ट्रेटिफाई नहीं किया है, मतलब स्ट्रेटम प्रॉपर कवर नहीं किए, सब ग्रुप बराबर नहीं बनाए, तो रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा। ये काम भी टीडियस है कि भाई सब ग्रुप करना, हर कैरेक्टरिस्टिक को प्रॉपरली कंसीडर करना, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है। हाँ, ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगा, क्योंकि हर सिंपल रैंडम सैंपल इंडिविजुअली देखा जाए तो आपको 3 सैंपल पर काम करना है, या 4 सैंपल पर, जितने स्ट्रेटा है उस पर काम करना है। इसका ये मतलब है कि कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, और हो सकता है कि ज़्यादा काम होने की वजह से क्लेरिकल या मैथमेटिकल एरर होने के चांसेस भी है, तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेजेस है। हमारा काम क्या है, हमारा काम यह है कि एक बार स्ट्रेटिफिकेशन हो जाने के बाद जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, मतलब सैंपल कैसे लेंगे, हर स्ट्रेटा में या हर स्ट्रेटम में कैसे सैंपल लिया जाता है टेबल का यूज करके, उसको हमें सॉल्व करना है। वो काम जो हम पहले करते थे वही ट्रिक से करेंगे जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग में करते थे। हाँ, लेकिन यहाँ एक के बजाय 2 या 3 जितने ग्रुप है वो हर ग्रुप का सिंपल रैंडम सैंपल निकालना हो तो वो बनके इंडिविजुअली वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, फिर वो जब कलेक्शन कर देंगे उनका तो वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल बनने वाला है। तो वो प्रोसीजर अब हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, देखते हैं, चलिए। अच्छा, अब फिर से एक बात बता दूं कि एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले एक हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम लेके मैं एक चीज एडिशनली एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मान लीजिए कि आपका पॉपुलेशन का साइज 100 है और ये 100 में से आपको सैंपल का साइज 10 रख के कैलकुलेशन करना है, तो कैपिटल एन इज 100 एंड स्मॉल एन इज 10। अब दो टेक्निक है कि सपोज आप एन को, पॉपुलेशन को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हो, N1, N2, N3, ये पॉपुलेशन की साइज, ये मान लीजिए 50 यूनिट से, यहां 30 यूनिट से और यहां 20 यूनिट से। तो हर स्ट्रेटम में से, मतलब इसमें से भी सैंपल लेना है, इसमें से भी सैंपल लेना है, इसमें से भी सैंपल लेना है,
अब इसमें सैंपल लेते वक्त हमें ये याद रखना है कि टोटल जो नंबर ऑफ यूनिट्स है सैंपल में, टोटल मतलब n1, n2 और n3 का टोटल जो है वो n 10 होना चाहिए, जहां कैपिटल n 100 तो है ही। अब मैं ये n1 50 में से कितने लूं, सपोज मैं यहां से 4 लूं, यहां से 3 लूं और यहां से 3 लूं, तो भी 4 प्लस 3 प्लस 3 ये 10 तो हो गया। कोई बोले कि सर एक काम कीजिए, यहां से 7 लीजिए, यहां से 2 लीजिए, यहां से 1 लीजिए, तो भी वो 10 तो हो गया। मतलब हर पॉपुलेशन के सब ग्रुप में से, मतलब हर स्ट्रेटम में से कोई ना कोई तो रिप्रेजेंटेटिव है ही, तो ये चल सकता है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया कि ओरिजिनल पॉपुलेशन और सैंपल की साइज का प्रपोर्शन जो है वो 10% का है, तो हर सैंपल में से भी मैं 10% ही लूँ, मतलब यहाँ 50 में से 5, यहाँ 3 और यहाँ 2, तो भी टोटल तो 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने ये जो रेशियो है या जो प्रपोर्शन है वो टोटल का जो प्रपोर्शन है वही सब ग्रुप में भी प्रपोर्शन मेंटेन किया है, या कभी मेंटेन करूं या कभी ना भी करूं। तो यदि हम ये प्रपोर्शन मेंटेन करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रपोर्शनल एलोकेशन। और यदि ये प्रपोर्शन स्ट्रेटम टू स्ट्रेटम हम मेंटेन नहीं करते हैं तो उसको बोलेंगे डिसप्रपोर्शनल एलोकेशन। जैसे कि n बाय n कितना है, तो आपने देखा अभी 10/100 मतलब 0.1 है, तो ये 0.1 मुझे n1/n1 में भी मेंटेन करना पड़ेगा, n2/n2 में भी मेंटेन करेंगे और n3/n3 में भी मेंटेन करेंगे। जैसे 5/50 भी 0.1 है, 3/30 भी 0.1 है और 2/20 भी 0.1 है, तो आप बोल सकते हो कि ये प्रपोर्शनल एलोकेशन है। और यदि ये इक्वल नहीं है n बाय n से, तो हम उसको बोलेंगे डिसप्रपोर्शनल एलोकेशन। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में सैंपल जो हम ले रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि प्रपोर्शनेट एलोकेशन में ही ले, डिसप्रपोर्शनेट एलोकेशन भी हो सकता है, लेकिन आइडियली प्रपोर्शनेट एलोकेशन अच्छा माना गया है कि जो रेशियो वो टोटल साइज ऑफ पॉपुलेशन और टोटल साइज ऑफ सैंपल में है वही रेशियो स्ट्रेटम टू स्ट्रेटम मेंटेन रहे तो वो ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये रिसर्चर या सिलेक्टर अपने हिसाब से डिसाइड करता है। तो ये एक एडिशनल पॉइंट मुझे डिस्कस करना था, वो हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं।